और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो, चलो भैया जाओ आरएसएस के हो जाओ भागो मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा थोरिया। तो सुना आपने, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि पार्टी को निडर और लड़ने वाले लोगों की जरूरत है, बीजेपी से डरने वाले नेताओं की पार्टी को कोई जरूरत नहीं है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के लिए नियुक्त किए गए वॉलंटियर्स को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी से बाहर निकलने वाले कार्यकर्ताओं पर हमला करते हुए कहा कि जिन्हें डर लग रहा है वो जा सकते हैं। राहुल ने साफ कहा कि पार्टी के जो लोग आरएसएस की विचारधारा से इत्तेफाक करते हैं या डरते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत से निडर लोग हैं जो कांग्रेस में नहीं हैं लेकिन बीजेपी और आरएसएस से लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में लाया जाना चाहिए और बीजेपी से डरने वाले कांग्रेसियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। आइए एक बार फिर से सुनते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो, चलो भैया जाओ आरएसएस के हो जाओ भागो मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ करती है, जो डर गए वो बीजेपी में चले गए, जो नहीं डरेगा वो कांग्रेस में रहेगा, डरे हुए लोग हमें चाहिए भी नहीं। राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि हमें निडर लोग चाहिए, डरे हुए लोग नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी के फेक न्यूज से डरने की जरूरत नहीं है, अब लोग समझ गए हैं और उन्होंने अब बीजेपी की तरफ से चलने वाले फेक न्यूज पर विश्वास करना बंद कर दिया है। आपको बता दें, राहुल गांधी का ये बयान अपने पुराने साथियों पर निशाना माना जा रहा है। बता दें कि हाल के सालों में ही कांग्रेस के कई बड़े नेता जो पार्टी में अहम पदों पर थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें राहुल गांधी के करीबी कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद का नाम शामिल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।